जनवरी से शुरू ठंड ने अब प्रचंड रूप धारण कर लिया है। वहीं घना कोहरा ठंड को और हवा दे रहा है। लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। रात ने बेहद सर्द और दिन गलन से भरा रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे रहा। आइए देखें इस बढ़ती ठंड पर प्रयागराज संवाददाता सुनील बच्चन की एक खास रिपोर्ट। के कारण भारत में प्रवेश कर चुका है और पहाड़ों पे बर्फ की बारिश हो रही है। पूरे भारत नहीं, उत्तर प्रदेश भी इससे ग्रसित है। इस ठंडक के कारण इतने कोहरे हैं जो आप देख सकते हैं। मैं इस समय जीटी रोड पे हूँ, आप देखिए किस तरह धुंध दिखाई दे रही है। दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि इस समय इस रोड पे काफ़ी संख्याओं में गाड़ियों का आवागमन होता है। और इस तरह की ठंडक के कारण यहाँ पे दर्जनों की मौत हो चुकी है। इन मौत का कारण है नसों का खून का प्रभाव कम हो जाना, नसों में खून जो दौड़ती है उनका जम जाना, जिनके कारण उनका हार्ट अटैक हो जाता है। काफ़ी संख्या में प्रयागराज में मौत हुई है, जबकि सरकार ने सारे हॉस्पिटलों में सुविधा दी गई है। किसी तरह की इस तरह की इमरजेंसियाँ होती है, फिर भी ये प्रकृति की चीज़ है, उसको सरकार और डॉक्टर क्या कर सकता है। अब देखते हैं कि तमाम इतनी धुंध में आप देख रहे हैं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ियों का आवागमन हो रही है लेकिन कम मात्राओं में हो रही है। सरकार ने उस स्कूल को भी 10 बजे से 3 बजे कर दिया है, फिर भी बच्चों की जाने की संख्या कम है। यहाँ तक कि उड़ानें भी रद्द हो जा रही है, ट्रेन की संख्याओं में लेट हो रही है। जो ट्रेन के शेड्यूल टाइम पे आना होता था वो 10-10 घंटा 12-12 घंटा लेट आ रही है। बसों में लोग सफ़र नहीं करना चाह रहे हैं, लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं। तमाम बसें खाली हो जा रही हैं, बसों का शेड्यूल चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इस धुंध में रास्ता नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह की ठंड प्रयागराज में देखा जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर चल रही है, और आने वाले दिनों में भी ये कैसे होगा ये भगवान की घटाओं पर निर्भर करता है। जैसे मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि अभी भी 5 से 7 दिन मौसम इस तरह का बना रहेगा, उसके बाद इसकी उजालाओं में होगा और ठंड की कोहरक से कहूँगी। लेकिन फिर भी इतने दिनों में इतने समय में इस तरह की कहर पहली बार देखी जा रही है प्रयागराज में। सुनील बच्चन, सहारा समय के लिए, प्रयागराज। आइए जानना चाहते हैं प्रयागराज के हमारे निवासी हैं, इनको ठंडक के विषय में पूछना चाहता हूं। ये बताइए इस बार की ठंडक कैसे है? इस बार की ठंडक बहुत कड़ाके की ठंड है, हम लोग निकल नहीं सक रहे हैं। 4-4 दिन कोहरा इतना तेज पड़ रहा है कि इसका कोई सीमा गवार है। बहुत तेज कोहरा है, एकदम धूप ही नहीं निकल रहा 5-5 दिन से। ऐसा ठंड हम लोग कभी आज तक देखे, बहुत कड़ाके की ठंड है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? ठंड तो पड़ा है, हम लोग की इच्छा नहीं होता काम पर आने के लिए। ठंड के मारा कैसे होगा बताइए, हम लोग इसी चलते हैं ठंड में। तो भी टोटो वाले हैं। अच्छा, आप लोग के बिजनेस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। हाँ, बहुत प्रभाव पड़ा। सवारी भी नहीं निकल रही है ठंडी में, सवारी नहीं निकल नहीं निकल रही बिल्कुल। घर हमारा यही है। अच्छा, बहुत तेज ठंड है, इतनी ठंड रात तक देखा नहीं। इतना ठंड में घर में भी रहने से गरम वाला पंखा लगाने से भी ठंड नहीं जा रही है, इतनी तेज ठंड है। लोगों की मौत भी हो रही है। बहुत बहुत मौत हो रही है, बहुत लोगों की मौत हो रही है। अचानक मौत हो रही है, खून जाम हो जा रहा है, नसें जाम हो जा रही है, लोग उठ नहीं सक रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। आपको बता दें बीते सोमवार की रात सीजन का सबसे घना कोहरा पड़ा। मध्य रात्रि यानी बीच रात में कोहरा इतना घना हो गया कि विजिबिलिटी जीरो हो गई, यहां तक कि लोग रास्ता तक भटक गए। वहीं मंगलवार की बात करें तो सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 10 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज बुधवार को भी उसी ठंड का प्रकोप बना हुआ है। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।